सो गाइस, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि एक स्मार्टफोन खरीदना है तो ऑनलाइन खरीदा जाए या फिर ऑफलाइन खरीदा जाए, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि आज भी विश्वास रखती है यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में जाने के लिए। बट एक चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक अगर टेकी बंदा है जिसको टेक की नॉलेज है, और जिसको टेक की नॉलेज नहीं है उसके लिए ऑफलाइन मार्केट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एंड इवन की वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन मार्केट हमेशा से सेफ ही रहती है, बट सीरियसली अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो काफी सारे यहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती है। जो शॉपकीपर है वही आपको काफी ज्यादा फंसा सकता है, बट ऑफलाइन मार्केट में अगर एक टेकी बंदा जाएगा तो वो कभी भी फंसेगा नहीं। तो वो कुछ चीजें, एक छोटी मोटी चीजें जो कि आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, अगर हम ऑफलाइन मार्केट जाते हैं तो होता क्या है, और ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें फर्क क्या है। एंड एक छोटा सा ओपिनियन आपसे लेना चाहता हूँ कि आप मेरे को जरूर से बताओ, ये जो चैनल का नाम है टेक सोमी शॉर्ट्स, क्या इसी को यही नाम से रखें, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट्स भी कभी कभी आते रहते हैं, बट क्या हम इस चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं? लाइक हम रख सकते हैं टेक सोमी प्रो, टेक सोमी प्लस, टेक सोमी, या फिर टी एस करके कुछ, टी एस एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ करके हम रखें, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोज आने वाली है वो कुछ डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पे स्मार्टफोन्स बेसिकली रिव्यूज वगैरह तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा सा ऐसे जैसे कि नॉलेजेबल कंटेंट है या फिर एजुकेटिव कंटेंट है वहां पे हम डालते रहेंगे। सो चले आज यहाँ पे हम बात करते हैं कि मतलब ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में क्या फर्क है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जब हम ऑनलाइन मार्केट के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे रिटेलर्स, होलसेलर्स, ये वाली जो बीच की कड़ियाँ होती है ना वो खत्म हो जाती है, और ऑफलाइन मार्केट में ये सारी प्रेजेंट रहती है। मतलब अगर आपको एक स्मार्टफोन ब्रांड है वो रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर होलसेलर को बेचेगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें, मतलब बीच में होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, रिटेलर से आपको देखने को मिल जाती है, और इवन कि बीच में एजेंट्स भी बैठे होते हैं। So, यहाँ पे हर एक मतलब बंदे का हर एक लेवल के ऊपर एक अलग अलग कमीशन है, और उस कमीशन को जोड़ते 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 कंज्यूमर के पास यहाँ पे फोन पहुंचता है। और अगर मैं वही बात करूं ऑनलाइन की, तो यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, एक ब्रांड जो है वो ऑनलाइन जो हमारा ई कॉमर्स यहाँ पे बनी हुई है वेबसाइट्स, उनको फोन यहाँ पे देते हैं और वो हमें आगे से दे देते हैं, या फिर बीच में वो रोल निभाते हैं जो भी यहाँ पर है, हम कुछ भी कह सकते हैं। सो जस्ट लाइक वहां पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है बीच में जिसकी कमीशन बनती है और हमारे पास फोन आ जाता है। बट ऑफलाइन मार्केट में बहुत तरह तरह के लेवल है जो कि कमीशन जुड़ती रहती है लेवल बाय लेवल, और आपके पास जब तक फोन पहुंचता है काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। सो इन शॉर्ट, आपने भी देखा होगा कई बार कि जो ऑनलाइन फोन्स है वो सस्ते पड़ते हैं, बट जो ऑफलाइन फोन्स है वो काफी महंगे पड़ते हैं। एग्जाम्पल ले लो, ओप्पो वीवो के फोन्स हैं यहाँ पे, वो काफी महंगे रहते हैं, सैमसंग के कुछ फोन्स काफी महंगे रहते हैं, बट यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन के बारे में बात करें तो शाओमी आता है, रियलमी आ रहा है, अभी और भी सैमसंग के कुछ ऑनलाइन सेंट्रिक फोन्स आते हैं, ये काफी हमें सस्ते मिल जाते हैं सिमिलर से स्पेक्स के साथ, ये आपने भी नोट किया होगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कि हम आ रहे को यहाँ पे ऑनलाइन सेंट्रिक फोन्स जो होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं। अब वैल्यू फॉर मनी इन द सेंस कि हमें जो यहाँ पे प्राइस हम दे रहे हैं ना, मतलब सोच लो हम 20,000 का फोन ले रहे हैं, तो हम ऑनलाइन फोन ले रहे हैं तो हमें जो स्पेक्स मिलेंगे ना वो ज्यादा बेहतर होंगे, हमारे पैसे को वैल्यू ज्यादा अच्छे से मिलेगी। और वहीं अगर मैं 20,000 ऑफलाइन खर्चना चाहूंगा तो मेरे को वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी, हमें उस लेवल के फोन नहीं मिल पाएंगे, स्पेक्स थोड़े से कम अच्छे होंगे, कम यहाँ पे जो फोन वो कम पावरफुल होगा, कैमरा इतने अच्छे नहीं होंगे, बट 20,000 का ही यहाँ पे प्राइस रहेगा, तो दोनों में ये सारा अंतर देखने को मिल जाता है। सो एक टेकी बंदा जो है ना उसको ज्यादातर पता है कि मेरे ऑनलाइन फोन्स जो है ना उसमें ऐसी चीजें और ऑफलाइन फोन्स में ऐसी चीजें, तो अगर मैं इनकेस ऑफलाइन जाता भी हूं तो मेरे को यहां पे पता करना है कि किस प्राइस पे कौन से फोन पे क्या चीजें मिल रही है, नहीं तो मेरा कहीं पोपट हो जाए। तो होता यही है, ज्यादातर हम ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं 10-12 हज़ार का अगर फोन लेना है तो हमारे को जो चीज मिल रही है उसमें एक्चुअली ज्यादातर फोन में होता क्या ना, डिजाइन बड़े प्यारे होते हैं और हम डिजाइन को देख के ही बड़ा खुश हो जाते हैं, तो वहां पे ऑप्शन भी इतने सारे हैं। कुछ ऐसे नाम लूंगा जैसे एक आइटल हो गया, ये ब्रांड ऑनलाइन जल्दी को देखने को मिलता नहीं है, ये सारे ऑफलाइन फोन जाते हैं और इतने मजेदार फोन भी नहीं होते। ना आपको एक और चीज बताता हूँ, जब हम ऑफलाइन फोन लेने जाते हैं ना तो वहां पे जो शॉपकीपर है वो ही आपको काफी अच्छे तरीके से फंसाता है फोन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बोला कमीशन जुड़ी होती है, एंड हर एक ब्रांड से अलग तरह की कमीशन आपको देखने को मिलेगी शॉपकीपर की, और हर एक मॉडल पे या कुछ भी कह लो, किसी सीरीज अगर आती है फोन की, अलग अलग सीरीज आ रही है, कुछ जो ब्रांड्स है वो ऑनलाइन ही सीरीज आती है, कुछ जो है वो ऑफलाइन ही आती है, जैसे लाइक सैमसंग की है, सैमसंग एम सीरीज, एफ सीरीज अभी ऑनलाइन के लिए बना है, और उनका जो ए सीरीज है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए बना है। सो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। अब जब आप जाओगे ना तो शॉपकीपर ना आपको पक्की बात है, आप घर से कोई फोन सोच के जाओगे, बट वहां पे जगह जाके जब आप बताओगे मेरे को इतना पैसा खर्चना है, शॉपकीपर आपको कुछ पर्टिकुलर मॉडल बताएगा कि यही आपको लेना चाहिए, या तो वो कहेगा इसकी रैम बहुत ज्यादा है, 8 GB मिल रही है ये वो, या वो आपको कह देगा डिस्प्ले बड़ी है तो ये फोन अच्छा ही अच्छा है, नहीं तो मैंने एक बेसिकली एक
बहुत ही हैरानी वाला है, सुना है यहाँ पे कि सैमसंग लो भैया, सैमसंग से अच्छा कोई ब्रांड ही नहीं हो सकता है, वो चाहे जैसा मर्जी मॉडल हो बट वो सैमसंग है तो सैमसंग का टप्पा लगा हुआ है। और इवन कि यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ फोन लेने गए वो शॉप के ऊपर, मैंने सजेस्ट किया था सैमसंग F62 लेने को, और वो बंदा बेचना चाह रहा था अपना A21S या फिर A22 5G बिक जाए। और वो फोन और F62 का आपको पता ही है कितना ज्यादा डिफरेंस है, और F62 ऑनलाइन फोन है और वो बाकी के दोनों फोन ऑफलाइन सेंट्रिक है, तो आप अभी फर्क पता कर सकते हो कि दोनों फोन पे क्या फर्क है। सो या हाँ, तो वो बंदा उन दोनों फोन्स को यहाँ पे रेकमेंड कर रहा था। अब सबसे बड़ा रीजन, शॉपकीपर्स खुद से इतना ज्यादा क्यों रेकमेंड करते हैं उन मॉडल्स को, क्योंकि कमीशन उन वाले मॉडल्स के ऊपर उनको ज्यादा है। अब ब्रांड को जहाँ पे पता होता है ना कि हमारे ये जो फोन्स हैं वो थोड़े से बिकने मुश्किल है ऑनलाइन कॉम्पिटिशन के कारण, यहाँ पे वो दुकानदारों को ज्यादा कमीशन देते हैं। तो ज्यादा कमीशन देने से क्या होता है, शॉपकीपर्स है ना वो यहाँ पे आपके ब्रेन में डालते हैं कि यही वाला मॉडल अच्छा है। जस्ट लाइक उन्होंने रीजन क्या दिया था, ए सीरीज फोन्स जो है ना वो एफ सीरीज से अच्छे ही होते हैं। अब ठीक है, वो अगर मैं A52 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो उसके फीचर्स ज्यादा हैं F62 से, बट A21S आप कहोगे कि बेटर है F62 से, तो मैं तो भाई मार दूंगा तुम्हें। तो ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं हमें ऑफलाइन मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना, सीधी सी बात है, कमीशन बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन मार्केट में। अगर आप जाएंगे तो वो जो शॉपकीपर है उसके बाद जब तक फ़ोन पहुँचा है रिटेलर का, होलसेलर का, एजेंट्स का, कमीशन मिला मिला के उसके बाद शॉपकीपर को भी पैसा कमाना है। ये तो है नहीं कि वो वैसे ही बैठा है, दुकान खोली है, बिजली का बिल भी भरना है उसको, और स्टाफ रखा है उसको भी पेमेंट देनी है, सो उनको भी पैसा कमाना है, तो वो और ज़्यादा अपना मार्जिन यहाँ पर रख के आपको फ़ोन बेचते हैं। सो ऑफलाइन मार्केट में जब भी आप फ़ोन लेने जाएंगे आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। बट द बिगेस्ट रीज़न क्यों आपको यहाँ पे मॉडल्स को इतना ज़्यादा भाव दिया जाता है कि यही वाला लीजिए, ओप्पो का फ़ोन ले लो सर, ओप्पो का फ़ोन ले लो इसमें रैम बहुत ज़्यादा है, वीवो का फ़ोन ले लो सर सुंदर बहुत ज़्यादा है, बट रीज़न क्या होता है उसके ऊपर कमीशन ही इतनी ज़्यादा मिल रही है कि क्या ही करें। सो ऑनलाइन बेच के वो इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं, उनको टेंशन नहीं होती, बट जब वो ऑफलाइन भी बेच रहे हैं तो कमीशन हर एक बंदे को बीच में यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है, सो आपकी जेब ज़्यादा ढीली होने लगती है। तो भाई एक चीज़ याद रखना कि हमेशा ऑफलाइन फ़ोन अगर आप खरीदने जा रहे हो सो पहले एक बार चेकआउट करें कि ऑनलाइन में सेम कॉम्पिटिशन में क्या पड़ा है, नहीं तो आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आपको वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं मिलेगी। एंड शॉपकीपर्स के ऊपर तो इतना ज़्यादा भरोसा मत ही करो, वो तो वही चीज़ बेचेंगे जिसमें उनकी कमीशन ज़्यादा है। आईटेल के फ़ोन बहुत बिक रहे हैं और आईटेल में कुछ नहीं होता, बट कमीशन इतनी है कि शॉपकीपर्स बेच रहे हैं, ज़्यादा बेच रहे हैं या रेकमेंड करते हैं सर यही लेके जाइए। ठीक है गाइस, तो यही सब होता है जब आप ऑफलाइन परचेज करने जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मैं आपको ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा, एंड हम मज़े करते रहेंगे। की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।